आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। कैमूर पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के 5 सदस्यों को बिहार और झारखंड के अन्य जिलों से किया गिरफ्तार। लूटा गया मोबाइल भी हुआ जब्त। कैमूर जिले के NH2 और NH30 पर कई लूट की घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। लूटी गई मोबाइल शराब तस्करों को बेच दिया करते थे। इन लोगों के ऊपर बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और झारखंड के डाल्टनगंज और पलामू थाने में दर्जनों मामले हैं दर्ज। कई कांडों में यह फरार और गिरफ्तार। सभी अपराधी औरंगाबाद और झारखंड के डाल्टनगंज पलामू के रहने वाले हैं। कुछ दिनों पहले NH2 और NH30 पर कई वाहन चालकों से कर चुके हैं लूट। गिरफ्तार अपराधी ने बताया कि हम लोग वाहनों को लूटने का काम करते थे और लूट के मोबाइल को शराब तस्करों के बीच ऑनलाइन बेच दिया करते थे। हमारे ऊपर एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। कैमूर SP दिलनवाज अहमद ने जानकारी देते हुए बताया, कुछ दिनों पहले NH2 और NH30 पर वाहनों से लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें एक अपराधी को औरंगाबाद से पकड़कर जेल भी भेजा गया था, लेकिन उसके कई सदस्य बाहर आ गए थे, जिसमें पुलिस अनुसंधान करते हुए लूटकांड के अंतर्राज्यीय 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 5 मोबाइल जब्त हुए हैं। यह लोग बिहार और झारखंड के कई जिलों में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इन सब की गिरफ्तारी हुई है, सबको जेल भेजा जा रहा है। कैमूर से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट। पिछले दिनों NH2 पर और पटना महनिया रोड पे लूटपाट की घटना हुई थी। सड़क पर वाहन चालकों से, जिसमें एक बोलेरो और एक स्कॉर्पियो से 46 रुपये और 6 मोबाइल लूटने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराए थे। अनुसंधान के क्रम में इसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह के कुल 5 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, जिसमें से जिनका आपराधिक इतिहास है तो कोडरमा झारखंड के पलामू, औरंगाबाद, रोहतास और भभुआ जिले के कई कांडों में पूर्व से फरार भी हैं और उन पर चार्जशीटेड भी है। मुख्य सरगना सुनील राम है, जो पहले भी यहाँ पर एक टर्वेरा गाड़ी की लूट हुई थी, जिसमें टर्वेरा गाड़ी औरंगाबाद से बरामद की गई थी और उसमें कई अपराधी पकड़े भी गए थे। उस केस में भी फरार है और भी कई कारण इस पर अंकित है, जिसमें ये फरार है झारखंड से भी और यहाँ से भी। और जो भी 5 पकड़े गए सभी का आपराधिक इतिहास है। उनके पास से लूट की मोबाइल भी बरामद हुई है और इनका सब अभी आपराधिक इतिहास में पता कर रहे हैं। रोहतास जिले में भी और या अन्य जिलों में जहां जहां ये फरार हो रिमांड कराया जाएगा। सर, इसमें मुख्य रूप से किस प्रकार का सिर्फ सड़क लूट करते घटनाओं का, जैसे ट्रक लूट करते थे, ट्रक पर जो सामान लगा उसको लूट लेते थे, या छोटे स्कॉर्पियो बोलेरो इत्यादि होते थे उसको भी लूट लेते थे, या उस पर जो सामान थे या पब्लिक थे पैसे और रुपये लूट लेते थे। कई बार ये टायर में रोड पर काटी लगा हुआ पत्थर लगा देते थे, जिससे टायर पंचर हो जाते थे और जब ड्राइवर टायर बनाने लगते थे तो उसको भी लूट लेते थे, गाड़ी लूट देते थे, उनके पैसे लूट लेते थे। किस जिला का सब रहने ये सभी रोहतास, औरंगाबाद और झारखंड के रहने वाले। क्या कार्रवाई की सभी को जेल भेजा। इसमें मतलब ये गिरोह का एक मॉडस है, ये लोग जो लूट का मोबाइल रहता था उसको ऑनलाइन भी बिक्री किया करते थे, मतलब जिस तरह व्हाट्सएप पर डाल करके अपने अपराधियों को बेचा करते थे। इनके मोबाइल में कई इस तरह के व्हाट्सएप पर मैसेज मिले हैं, जो चैट किए गए हैं इस तरह के, अभी उस टाइम में सत्या करते हैं। कितने कांड में तुम संलिप्त हो? लूट कांड में डाल्टनगंज में 3-4 को लूट किए थे, वहाँ पर मंशा वो केस लगा था और औरंगाबाद भी लूट केस में थे। पेट्रोल पंप लूट में गए थे तो पावली मोहम्मद मार के वहाँ तोड़ दिया था, बहुत दिन जेल में रह गया। वहाँ के कैदी लोग चंदा करके डाला, वहाँ पाल करते थे, वहीं से इंदर जादव संपर्क को इंदर जादव के जरिए यहाँ आ गए थे। यहाँ टेरा जो बोलोर कोई सी गाड़ी होता है वो और फिर कोई गाड़ी है उसमें और फिर को बोलो ये 3 लोग इधर हैं। टोटल कितने कांड में संलिप्त हो और क्या क्या करते थे तुम लोग? टोटल वहाँ से
डल्टनगंज 6 गो, औरंगाबाद 4 गो और यहाँ 3 गो। तेरा कांड कितने सालों से कर रहे हो? 8-9 साल, 10 साल। 10 साल से बाकी 8-10 जेल में थे। कितना दिन जेल में रहे थे? कहाँ पे? 3 साल यहाँ थे, 5 साल, 6 साल वहाँ डल्टनगंज। 3 साल कहाँ थे? 3 साल औरंगाबाद। हाँ डल्टनगंज 4-5 साल हो गए वहाँ से। सब कैदी लोग चंदा करके काला था, हम बाप में नहीं कोई नहीं। कहाँ के रहने वाले? हम औरंगाबाद जिले के रहने वाले, गांव टोला संगवा, थाना टनावा। नाम क्या है? सुनील राम।